न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज आतिशबाजी के साथ हुआ। 2023 का स्वागत। हिंदुस्तान में हिल स्टेशन में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। एलएसी पर तैनात आईटीबीपी के जवानों की गृहमंत्री अमित शाह ने की तारीफ। कहा आईटीबीपी की मौजूदगी में भारत चीन सीमा की चिंता नहीं, किसी की मजाल नहीं कि एक इंच जमीन पर अतिक्रमण कर पाए। आरएसएस वाले बयान पर राहुल को असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का जवाब। कहा संघ को गुरु मानते हैं तो गुरु दक्षिणा दे, आरएसएस के दरवाजे सबके लिए खुले। 2024 में राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा हमें कोई एतराज नहीं, सभी पार्टियों के साथ मिलकर होगा फैसला। नए साल पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट, ड्रोन से हो रही है निगरानी। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले 2022 में 186 आतंकियों को किया ढेर, 156 आतंकियों को जिंदा पकड़ा। टीवी 9 भारतवर्ष पर आज पता चलेगी रामायण की अनसुलझी पहेली। जिस धरती को श्रीराम ने सजाया वहां पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। रात 9 बजे देखिए राम कथा का अनसुना अद्भुत और अलौकिक दृश्य।